तो ये जो यहाँ पर टूल है इसको बनाने के लिए एक सिंपल सा अगर हम इसको बनाते हैं तो ये इस तरह से डिजाइन हो जाता है। और डिजाइन होने के बाद ये सारे जो सेगमेंट है वो उसी तरीके से इसको डील करेंगे, यहाँ से जाएंगे क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे क्लिक करके इसके जो स्ट्रोक्स वगैरह है वो यहाँ पे इसके सेट कर देते हैं। स्ट्रोक सेट करने के बाद हमें ये इस तरह से नजर आ रहा है। अब सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर हमें कोई ऐसा डिजाइन बनाना है या किसी ऑब्जेक्ट को इतने हिस्सों में सेगमेंट में डिजाइन करना है, डिवाइड करना है, तो उसको हम इजीली कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि जैसे कि अगर मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ चीजें रिक्वायर्ड है कुछ नहीं, तो उस पर क्लिक करके इसको भी आप ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करके आप इसका ये वाला सेगमेंट अलग कर सकते हैं, ठीक है, और ये सेगमेंट अलग हो गया इसका, ओके। फिर फर्दर इसको अनग्रुप करेंगे अगर आप जाके, तो इसमें से एक एक सर्किल को आप अलग अलग कर सकते हैं इस तरीके से। याद है हम एक लोगो बना रहे थे न्यू लेसनी का, तो उसमें हम ये काम कर रहे थे। तो अगर वो काम हमें इसमें करना है तो ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता कि बार बार हम सर्किल बना रहे थे उसके अंदर रख रहे थे, इसमें ऑलरेडी सर्किल बन गया और इसी सर्किल को यूटिलाइज करके इसमें हम काम कर सकते हैं। सिमिलरली अब ये जो एंगल है आपने कोई बनाया, कोई इस तरह का डिजाइन है जिसका सेगमेंट बनाने हैं आपने इस तरह के, इसमें चार चीजों को डिवाइड करना है, तो ये भी आप इसमें कर सकते हैं। और फर्दर इसको भी अगर आप अनग्रुप कर देंगे तो इसमें से भी हम ये वाला एंगल भी इसमें से निकाल सकते हैं और एक इस तरह का परफेक्ट डिजाइन हम इसमें से ले सकते हैं, या फिर इसका एक परफेक्ट डिजाइन हम इस तरह का भी इसमें से ले सकते हैं, और अगर इसको भी निकाल दें तो एक इस तरह का डिजाइन भी हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो यानी कि मतलब बहुत सारे ड्राइंग्स जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर बेस कर रही होती है। तो अगर पोलर ग्रिड एरे हमें कहीं पर हेल्प कर रहा है, वो इतना सारा काम करने से बच जाते हैं, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके आप सर्किल्स को यूज कर सकते हैं, उसके अंदर पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, उसके अंदर के हटा सकते हैं सर्किल का, इस तरह का डिजाइन बनाना चाहें तो देखें इस तरह का डिजाइन बन गया। अब फॉर एग्जांपल इस डिजाइन को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे तो ये देखें इस तरह से बन गया, या फिर इसके ऊपर हमें इस तरह का कोई एरो उठा के इस तरह से सेट कर देना है कि भाई ये इस तरह का टारगेट है, उसको हाईलाइट करा रहे हैं किसी चीज को, तो ये चीज भी इस तरह से कराई जा सकती है। इसी पोलर ग्रिड एरे को अगर आप यहाँ पर क्लिक करके सपोज टू यहाँ सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब इसकी विड्थ और हाइट आ रही है और उसके साथ साथ नंबर ऑफ कंसेंट्रिक डिवाइडर्स आ रहे हैं और रेडियल डिवाइडर्स आ रहे हैं। तो इसको देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो अभी हम इसकी विड्थ और हाइट को सेम रखते हैं और इसके कंसेंट्रिक डिवाइडर्स को इसको बढ़ा देते हैं। तो इसमें भी 5 थे और वो भी 5 थे, तो इसको हमने कम बढ़ा के 10 कर दिया और इसको यहाँ से क्लिक किया, ओके कर दिया। तो ये देखें यहाँ पर कौन सी चीज़ में इजाफा हो गया, जो उसके सर्किल वाले डिवाइडर थे उसमें इजाफा हो गया और वो बढ़ के हो गए 10, क्योंकि पहले थे 5, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ से इसको दोबारा से 5 कर दिया और नीचे वालों को बढ़ा के हमने 10 कर दिया, तो जैसे इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि अब जो उसके दूसरे डिवाइडर्स थे जिनका नाम इसमें मैंने पढ़ा नहीं, नाम पढ़ लेता हूँ अपन, जिनका नाम था रेडियल डिवाइडर्स, तो वो बढ़कर हो गए 10। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो गए। तो जिस चीज़ को आपने बढ़ाना है, कम करना है, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर इसकी जो शेप है, इसके साइज में अगर उसको भी कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और विड्थ और हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये थोड़ा सा हाइट में ज्यादा बनाना चाह रहे हैं और विड्थ में कम रखना चाह रहे हैं, तो 500x500 करने के बाद और इसकी हाइट को थोड़ा बढ़ा के हम कर देते हैं 700 और उसको 500 पर रखते हैं और सेम इसके साथ हम उसको बढ़ा के ओके कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का मामला भी क्रिएट किया जा सकता है। सही है, समझ में आ रही है बात। और सिमिलरली इसकी विड्थ बढ़ा के विड्थ वाला भी मामला हम इसके साथ कर सकते हैं। क्लिक करके अगर हम इसकी जो 700 की जगह पे यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 500, ऊपर वाले को 700 कर देते हैं तो ओके करेंगे, तो ये इस तरह का मामला भी इसके ऊपर क्रिएट किया जा सकता है। मतलब इसको 3D टाइप में भी बना सकते हैं, परस्पेक्टिव करके भी दिखा सकते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल परस्पेक्टिव में बनाना चाहे। और वैसे ही ये ड्राइंग बनाने के लिए आपको कोई दे दी जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें से अब इसको हम ऐसे दिखाना चाह रहे हैं, अक्सर आपने वो देखा होगा प्लैनेट का जो सिस्टम बना हुआ होता है जिसमें वो नेपच्यून और ये 7-8-9 प्लैनेट जो भी हैं वो दिखाने होते हैं, तो वो इस तरह का डायग्राम अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इसमें देखें कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्लिक करेंगे यहाँ से और उसको क्लिक करेंगे और हम इसमें ये वाले जो नंबर ऑफ डिवाइडर्स हैं इसको कम कर देते हैं, सपोज 4 ले लेते हैं और इस वाले को ठीक है, और यहाँ पे विड्थ को बढ़ा के इसकी 900 कर देते हैं, और जैसे इसको 900 करेंगे और इसको ओके करके ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह का एक डायग्राम बन जाएगा और हर किसी एक जो उसका रेडियस है यानी कि उसका जो पूरा एक पाथ है उसके ऊपर एक चीज को आप शो कर सकते हो नजर आई। और बाद में अगर ये बीच वाली लाइंस भी अगर आपको ड्रॉ हटानी है तो इस पर क्लिक करके आप इसको यहाँ पे जाके अनग्रुप कर देंगे और अनग्रुप करने के बाद इन लाइंस को इजीली यहाँ पे एक एक को क्लिक करके जो ये लाइंस हैं इसकी यहाँ से हटा देते हैं और डिलीट कर देंगे। तो ये देखेंगे बेहतरीन किस्म का आपका डिजाइन इसके अंदर तैयार हो जाएगा, उसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वैसे ही अगर आपको छोटा मोटा ये टास्क दे दिया जाता है उसमें काफी टाइम लग जाता, एक बनाना फिर दूसरा बनाना फिर तीसरा बनाना फिर चौथा बनाना, उसकी एडजस्टमेंट और स्पेसिंग ये इसने ऑटो एडजस्ट करके बना दिया, तो इस तरह की चीजें आप इसके ऊपर इजी से कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन है यहाँ वाला, इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि इसको यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप इसको अब हम इसको 500x500 पे ही रखते हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं ताकि हमारे सामने फ्लैट स्क्रीन पे सीधा नजर आए।
और यहाँ पर जाके इसका जो स्क्यू है यहाँ पे हम इसका 20% कर देते हैं जो साइट पर है। तो क्लिक करने पे अब इसमें वही हुआ, देखें जो हमने पहले वाले और सीखा था, शुरू वाले में गैप ज्यादा है और आखिरी वालों में गैप कम होता जा रहा है, यानी कि इस तरह की चीज भी आप इसके अंदर इजी बना सकते हैं। अब सिमिलरली अगर इसका अपोजिट बनाना है आपको तो क्लिक करेंगे यहाँ पर और उसको क्लिक करके 20% यहाँ पे रखा था आपने, -20% कर देंगे या -30% कर देंगे और उसको ओके करेंगे। तो देखें शुरू वाले में गैप कम है और जैसे जैसे दूर होते जा रहा है सर्किल उससे तो उनके अंदर गैप बढ़ता जा रहा है। तो माइनस और प्लस दोनों साइड पे पोजिशन आप रख के बना सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी अगर आपको कोई काम है कि जैसे शुरू में सर्किल में गैप कम होगा और आगे जाके वो गैप्स बढ़ता चला जाएगा तो इस चीज़ को आप इजीली इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर हम इसको दोनों साइड से सेम कर दें और अगर यहाँ पे क्लिक करके इसको भी हम यहाँ से इसको जीरो कर देते हैं और इसका ये वाला एंगल बढ़ाते हैं वर्टिकल में और 30% पॉजिटिव पे ले जाते हैं, ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो इसकी ये वाले रेडियंस थे इसमें पहले गैप कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा और फिर उससे भी ज्यादा हो गया। और सिमिलरली अगर इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जो इसके रेडियल डिवाइड हैं अगर इसको -30% पे लेके जाएंगे तो इसके अपोजिट काम करेगा और इसको ओके करेंगे। तो ये देखें पहले वाले वाले में जो होगा इस तरह उठा के रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब इस साइड पे गैप ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर इस तरह से बढ़ता जा रहा है, या स्क्रीन के लिए कम इससे कम इस तरह से यूँ आ रहा है। तो ये इस तरह से घूम रहा था और ये इस तरह से स्पेस को मैनेज कर रहा है। तो ये दोनों चीजें भी कर सकते हैं और दोनों को बढ़ाएंगे तो इनका भी स्पेस कम ज्यादा हो सकता है और उसका भी स्पेस कम ज्यादा हो सकता है। और अगर वैसे ये टास्क देखा जाए तो बड़ा ट्रिकी हो सकता है, मैनुअल करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये काम हमारा मशीन आसानी से इसके पोलर ग्रिड के जरिए इजीली कर देगा। पोलर ग्रिड पे क्लिक करते हैं और दोनों को हम एक को -30% दे देते हैं, एक को +30% दे देते हैं और 500 500 पे रख के बनाते हैं। तो ये देखिए कि एक का गैप ज्यादा से कम हो रहा है और कम से ज्यादा हो रहा है दोनों साइड पे। इस तरह का शेप भी बनाना बड़ा ट्रिकी हो सकता है, मशीन के जरिए दोनों काम आप इजीली ले सकते हैं पोलर ग्रिड के जरिए।